बड़कागांव प्रखंड के आंगो पंचायत अंतर्गत ग्राम चेलंगदाग में 23 हाथियों का झुंड आ पहुंचा और जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने फटेरिया पानी जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे 4 घरों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखे चावल दाल व अन्य खाद्य सामग्री के साथ साथ मुर्गा मुर्गी बर्तन चौकी आदि को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और खेत में लगे धान एवं मकई की फसलों को बर्बाद कर दिया। बाद में ग्रामीणों ने एकजुट होकर मशाल जुलूस निकालकर शोर मचाकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। बताते चलें कि बालक गंजू, राजेश गंजू, वंशी गंजू, तीनों पिता स्वर्गीय झगर गंजू, तिलेश्वर गंजू, पिता पच्चू गंजू ग्राम चेलंगदाग निवासी के घरों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं 2 दिन पूर्व लालदेव ठाकुर महुदी निवासी का घर को हाथियों ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं नरेंद्र महतो एवं राजेश महतो के खेत में लगे धान व ईख को पूरी तरह रौंद डाला व चट कर गए, जिससे लगभग 5 से 10 लाख से अधिक के नुकसान की संभावना व्यक्त की जा रही है। क्षतिग्रस्त घर वालों के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वंशी गंजू ने कहा कि मेरा तो हाथियों के उत्पात से आशियाना उजड़ गया और खाद्य सामग्री सहित सभी सामान व कागजात को बर्बाद कर दिया गया। अब न रहने का ठिकाना है न खाने का, हम क्या करें। हम सभी लोग मांग करते हैं कि सरकार एवं जनप्रतिनिधि हमारी मदद करें। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण काफी दहशत में है। ग्रामीणों के अनुसार बृहस्पतिवार रात को अचानक हाथी आ धमके और हम सब के घरों को क्षति पहुंचाया। पिछले वर्ष भी प्रखंड क्षेत्र में हाथियों ने कई गांव में उत्पात मचाया था और कई लोगों की जान भी ले ली थी। जब हाथियों का हमला होता है तो वन विभाग को सूचना दी जाती है। टीम में एक कर्मी पहुंचते हैं और हाथियों को भगाते हैं। किसी खास क्षेत्र में उनकी तैनाती नहीं होती है। गांव में घुसने से हाथियों को रोकने के लिए ग्रामीण खुद पहल कर रहे हैं और रोकने के लिए और इसके लिए मशाल, टायर व सूखी लकड़ियों को जलाकर सहारा लेते हैं। वन विभाग से समय समय पर पटाखे उपलब्ध कराए जाते हैं। नुकसान से हुए भरपाई को लेकर पीड़ित परिवार सीओ के पास लिखित आवेदन देते हैं। भुक्तभोगी परिवार के लोग दूर से ही हाथियों के उत्पात को देखते रहे, जबकि ग्रामीण अपने घरों के आसपास काफी मात्रा में आग जला कर रखा था, पर हाथियों ने घर पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी से मुआवजे की मांग की है। फिलहाल ग्रामीणों ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया है, लेकिन सभी ग्रामीण दहशत में हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।